अरे सुनिए, ये किचन सिंक की नाली फिर से चौक हो गई, अब क्या करूं। हे भगवान, ये कॉकरोच तो पीछा ही नहीं छोड़ते। अरे भाई, जब देखो जब मिक्सर जार में लहसुन प्याज की स्मेल रह ही जाती है। अरे यार, ये लहसुन छीलना भी कितना मुश्किल काम है ना, पूरे हाथ चिप चिप हो जाते हैं। अरे भाई सुनो, चाय में अदरक क्यों नहीं डाली, बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा है। जी हाँ, इसी तरह की कई सारी समस्याएं हम लेडीज को किचन के काम करते समय आती ही रहती है। तो चलिए, इसी तरह की कई समस्याओं का हल आज के वीडियो में हम देख लेते हैं। आज इन समस्याओं से बचने के एकदम बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ। टिप नंबर वन, क्या आप चाहते हैं लहसुन का छिलका आसानी से उतर जाए? तो जब भी आप कुकर में दाल या कुछ बनाने के लिए गैस पर चढ़ाए ना, तब लहसुन को इस तरह से कुकर के ऊपर रख दे और 2-4 सीटी जितनी भी आपको लेनी है उतनी देर तक लहसुन को ऐसे ही रखा रहने दे। इसके दो फायदे होंगे, तो छिलका आसानी से उतर जाएगा और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो देखा ना आपने कितनी आसान सी ट्रिक है, और इससे लहसुन का छिलका एकदम आसानी से उतर जाता है। अब आ जाते हैं हम टिप नंबर टू पर। कई बार ऐसा होता है किचन सिंक में सब्जी के छिलके और कुछ खाने की सामग्री फंस जाती है और नाली हो जाती है चोक, सिंक में पानी भर जाता है। तो इस तरह की जो झाड़ू की सीक होती है ना, वो सिंक के ऊपर वाले शेल्फ में मैं हमेशा ही रखती हूँ। ये वही झाड़ू की सीक है जो पानी इकट्ठा करने के लिए हम यूज करते हैं। जनरली ये लकड़ी की सीक वाली आती है, लेकिन जो प्लास्टिक की सीक वाली झाड़ू आती है ना, उसमें से मैंने ये सीक रख ली है। इसकी जगह आप मोटा तार भी यूज कर सकते हैं। इस सीक से हम 5 से 6 बार सिंक के बीच वाले छेद में जहाँ से पानी ड्रेन होता है ना, उसमें प्रेशर से ऊपर नीचे करेंगे। ऐसा करने से एयर प्रेशर के कारण जमा हुआ कचरा निकल जाएगा और पानी पूरी तरह से ड्रेन हो जाएगा। अगर पानी बिल्कुल ही ना निकल रहा हो, तो पूरा पानी जो ऊपर का है ना, इसे मग्गे या गिलास से निकाल लें और सिंक को पूरा खाली कर लें। सिंक को किसी भी एक तरीके से हमें पूरा खाली करना है। ये देखिए, पूरा पानी हमारा ड्रेन होता जा रहा है। इसमें जो मोटा कचरा है ना, वो हम अलग निकाल देंगे, नहीं तो जाकर ये नाली में फिर से फंसेगा। अब देखिए, पूरा पानी एक बार के लिए तो ड्रेन हो गया है, अब साफ पानी से इसे हम धो लेंगे। और अब जो मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ वो करें, इससे पूरी सिंक की जो लाइन है, यानी ड्रेनेज की जो लाइन है, वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। इसके लिए लेना है हमें बेकिंग सोडा, इसे सेंटर में इस तरह से डाल देंगे और अब इसके ऊपर डाल देंगे ये विनेगर। देखिए, इससे रिएक्शन होगा और अब इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। विनेगर डालने से नाली के अंदर तक बेकिंग सोडा चला जाएगा और जो भी कचरा अंदर है ना, वो फूल कर टूट जाएगा। फूल कर मतलब टूटेगा तो नहीं, पर एकदम सॉफ्ट पड़ जाएगा। प्रेशर से गर्म पानी डाल दे, ऐसा करने से पूरी नाली अंदर तक एकदम क्लीन हो जाएगी। देखिए, अब पूरा पानी तेजी से ड्रेन होता जा रहा है। वैसे तो ऐसी नौबत ही ना आने दें कि नाली चोक हो जाए। 1-2 महीने में सोडा विनेगर डालकर इस तरह से सफाई कर दे, तो नाली की सफाई भी हो जाएगी और नाली आपकी कभी भी चोक नहीं होगी। तो देखा ना आपने, ये किचन सिंक को साफ करने का कितना अच्छा ट्रिक है। ना आपको प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा, ना आपका टाइम वेस्ट होगा, ना पैसा वेस्ट होगा। इस तरह से आप नाली को आप खुद अपने हाथ से ही साफ कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम टिप नंबर 3। कॉकरोच से अगर आप परेशान हैं, तो इसका एकदम सिंपल घरेलू नुस्खा आपको बताते हूँ। सिर्फ 2 ही चीजों से ऐसी दवाई बनाएंगे कि कॉकरोच फिर से आपके घर में नजर ही नहीं आएंगे। आपको लेना है थोड़ा सा कपूर, ये वही कपूर है जो हम पूजा के लिए यूज करते हैं। इसे कूट कर हम इसका पाउडर बनाएंगे। इसे डाल देंगे आप एक मिक्सिंग बाउल में। अब लेना है अगरबत्ती और जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है ना, उसे निकालना है। इसे आप निकाल कर खलबत्ते में डालकर कूट लेंगे। इसे भी उसी मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे और 1 कप पानी डालेंगे। अब पूरे इस लिक्विड को 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद इसे छलनी से छानेंगे। इसे अच्छी तरह से रगड़ते हुए छानना है, जिससे कि इसका पूरा कस पानी में उतर जाए। अब इस लिक्विड को स्प्रे बॉटल में भरें और जिन जिन जगहों से कॉकरोच निकल कर आते हैं ना, वहां पर इससे स्प्रे कर दें। कॉकरोच हमेशा हमेशा के लिए भाग जाएंगे। बस ये जरूर ध्यान रहे कि ये ट्रीटमेंट आपको 2 से 3 महीने में एक बार रिपीट करना है ना, ये एकदम आसान सा तरीका। तो आप भी अपनाइए ये ट्रिक और फ्री हो जाइए कॉकरोच के झंझट से हमेशा हमेशा के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं टिप नंबर 4। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लहसुन डालकर चटनी बनाते हैं या फिर ग्रेवी के लिए प्याज पीसते हैं, तब क्या होता है ना, मिक्सर के जार को धोने के बाद भी इसकी स्मेल नहीं जा पाती है। तो जब भी ऐसा हो ना, तो क्या करना है,
थोड़े से बचे हुए नींबू के छिलके इस तरह से जार में डालें। अब डाल दें थोड़ा सा पानी और इन्हें पीस लें। इसी तरह से अगर किसी भी डिब्बे वगैरह में भी स्मेल आ रही हो ना, तो उसमें भी ये पीसा हुआ नींबू डाल दें और डिब्बा बंद करके उसे शेक कर लें। इसके बाद मिक्सर जार और डिब्बे को साफ पानी से धो लें। इससे ये एकदम चमकदार क्लीन भी हो जाएंगे और जो भी स्मेल इसमें रह गई थी वो पूरी तरह से गायब हो जाएगी। तो देखा ना आपने कितनी आसान सी ट्रिक है डिब्बे या मिक्सर जार में से बदबू गायब करने की। तो चलिए अब देख लेते हैं हम टिप नंबर 5। अदरक के फ्लेवर वाली चाय तो लगभग हम सभी को अच्छी लगती है, परंतु कभी कभी क्या होता है ना कि अदरक खत्म हो जाती है, तब क्या करें? तो उसके लिए मैं बताती हूँ आपको बहुत अच्छी ट्रिक। अदरक की जगह डालिए चाय में ये तेज पत्ता। इसे पानी से धो लीजिए और जब चाय में पहला उबाल आए ना, वैसे ही इसके पीसेस करके चाय में डाल दीजिए और अब 2 से 4 मिनट तक चाय को उबाल लीजिए। गजब का फ्लेवर चाय में आ जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि अदरक की चाय नहीं पी रहे। तो देखा ना आपने, है ना ये कमाल की ट्रिक्स। तो आप भी आजमाइए ये टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपके पास इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स हो ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही फिर एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।